पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एग्जामिनेशन फीस कम करो, एग्जामिनेशन फीस कम करो। फाइनेंस हम लोग नहीं देंगे, नहीं देंगे। नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में छात्र छात्राओं ने किया जमकर हंगामा, अपनी मांग पर अड़े रहे। दरअसल मामला यह है कि 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को किसी एक ने कह दिया 4500 आपका एडमिशन फी है। उसके बाद छात्र बिना कुछ सोचे समझे तकरीबन 2-2.5 घंटे उन्होंने जमकर बवाल किया। हालांकि कॉलेज की ओर से ऐसा कोई बोर्ड या अदर जगह नोटिस नहीं लगाया गया था जिससे छात्र समझना कुछ चाहते थे और समझ कुछ बैठे। हमें सूचना मिली कि कॉलेज में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचकर छात्र छात्राओं से बात किया और कॉलेज के कर्मचारियों से भी बात की। कॉलेज के कर्मचारियों ने कहा जो पिछले वर्ष फीस लगा था इस साल भी वही लग रहा है। छात्र आक्रोशित थे जिसे वह समझ नहीं पाए, किसी के बहकावे में आकर जोरदार आंदोलन करते रहे। फिर हमने समझा बुझा कर सभी का गुस्सा शांत करवाया और उन्हें 2500 फीस देने को कहा और फिर सबने एडमिशन करवाना शुरू कर दिया। दरअसल एक की बात सुनकर छात्रों ने खुद को काउंटर पर पूछना तक जरूरी नहीं समझा। वह यह कहते रहे 1400 बोर्ड का पैसा है, हम वही देंगे। लेकिन आपको बता दें कि कॉलेज का फी हर साल 900 के करीब हर वर्ष सभी छात्रों को लगता है। मेरी बात को मानकर सभी ने आंदोलन बंद कर दिया और एडमिशन कराकर घर चले गए। आज किसी का रसीद कटा है? नहीं कटा है, कटवाए नहीं हो? अच्छा, एक आदमी बताओ क्या तकलीफ है, क्या हुआ है? ये कि बिहार बोर्ड को ऑफिशियली न्यूज है कि 1400 रुपया लग रहा है हर कॉलेज। हाँ, लेकिन यहाँ हमारे कॉलेज में 4500 रुपया लग रहा है। क्यों भाई, किसने दे रहे, मतलब किसने मांगा जा रहा 4500 रुपया? कल हमारे एक स्टूडेंट गया था प्रिंसिपल सर के पास, तो बताएं कि कॉलेज का इकोनॉमी खराब है, कॉलेज का इकोनॉमिक। और बाकी यहाँ अभी बोल रहे हैं कि 2500 रुपया एडमिशन का फीस है, कुछ है कुछ है, और कोई कॉलेज में इतना ज्यादा नहीं लिया जा रहा 4500। हम लोग कहाँ से अफोर्ड कर पाए? क्लर्क ऑफिस के बाहर 12वीं का रजिस्ट्रेशन को लेकर के कोई नोटिस बोर्ड है कितना फीस है? नहीं है नोटिस, नहीं है ऑफलाइन हो रहा। हम लोग यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से, हम लोग कहाँ से 4500 रुपए। अच्छा, सर ने जब बोला कि कॉलेज की आर्थिक स्थिति खराब है, किस तरह से आर्थिक स्थिति खराब है स्टूडेंट ने पूछा था? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा स्टूडेंट ने? वो हम लोग को भगा दिए सर, भगा दिए, भगा दिए। कितने लोग को भगाए थे? कल भी थे, कल भी थे 100-150। तो सर कहा गया कि सर कि बच्चे लोग बोले फॉर्म भरवाना है सर, पैसा कम कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जिसको भरवाना है भराओ, नहीं भराना घर जाओ, मत भराओ, मतलब पढ़ाई नहीं करो, पढ़ाई छोड़ दो। हाँ, स्थिति खराब है, कहने का मतलब है उनका सर। गवर्नमेंट नहीं है सर, इतना है सर, हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग वी आर कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, यू नो, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 4500 बहुत बड़ा अमाउंट है हम लोग के लिए। हम लोग 4500 रुपीज अगर पे करते हैं तो हम लोग का इतना, एक तो साइंस की पढ़ाई इतनी महंगी होती है, साइंस की पढ़ाई हम लोग को कॉलेज में पढ़ाई ढंग से मैम नहीं करवाती है। आते हैं तो रोज सिलेबस जहाँ पे रहता है वही सिलेबस अटका रहता है, मतलब कभी भी सिलेबस आगे बढ़ता ही नहीं। आज इलेक्ट्रो स्टेट चल रहा है, कल भी इलेक्ट्रो स्टेट ही चलता है। मतलब बड़े बड़े इतने सारे प्रोग्राम होते रहते, उसके लिए खर्चा कहाँ से आता है कॉलेजों में? और आप ही लोग के पैसे से होता है? 45 खराब ही है, हर एक स्टाफ की सैलरी है यहाँ पे कम से कम 30-40 हजार रुपए, कॉलेजों के प्रिंसिपल का खर्चा 1-1 लाख रुपए आता होगा, क्या उन्हें भी डोनेट करना चाहिए 6-6 महीने का फीस? सर 4500 ले रहे हैं, 7 महीने से 6 हजार कर देंगे। हमारी मांगे पूरी करो,